वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज चैनल में बहुत टाइम बाद आ रही है बुलेरो नियो। ना जाने कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को कवर करे हुए। वैसे देखा जाए तो नियो प्लस भी आ चुकी है, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। आज हम बुलेरो नियो की बात करने वाले हैं। बुलेरो नियो वही गाड़ी है जो महिंद्रा पहले भी ला चुका है TUV के नाम से, ठीक है। अब TUV क्या उसकी फुल फॉर्म थी, शायद टफ यूटिलिटी व्हीकल। अब ये बुलेरो नियो के नाम से बेची जा रही, क्योंकि बुलेरो का नाम जब लग जाता है ना गाड़ी में तो बंदे को यहाँ पर विश्वास हो जाता है गाड़ी अच्छी होने वाली है। बाकी महिंद्रा की गाड़ी है, अच्छी होगी ही होगी। कौन सा ये वेरिएंट है आप एक बार बताओ, फ्रंट से देख के साइड से देख के। बिल्कुल जी, आपने सही सोचा, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है N10। N10 ऑप्शनल नहीं है। क्या फ़र्क रहता है N10 ऑप्शनल में, बस एक चीज़ का, वो भी बताऊँगा। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ी की वीडियो ना एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफ़र कुछ चीज़ें कम करती है, लेकिन जितना ऑफ़र करती है ऐसा लगता है कि यार इस प्राइस में ये मिलना भी तो बहुत बड़ी बात है। तो सारी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी आप लाइक ज़रूर से करना, बाकी जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। शुरू करते हैं। देखो N10 ये वेरिएंट है, और अगर आप इसे फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। पहले तो नया वाला महिंद्रा का लोगो आ गया है, तो गाड़ी थोड़ी सी प्रीमियम हो गई है। बाकी क्रोम इंसर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ये सब बात साइड में रखते हैं। पहले जानते हैं इस गाड़ी का प्राइस क्या है। 11,47,500 रुपये। ऑन रोड ही पड़ जाती है हलवानी में 13,40,000 रुपये की। बाकी अभी मैं बजरंग मोटर्स हलवानी में आ रखा हूँ शूट करने के लिए। हलवानी से गाड़ी परचेज करना चाहते हो बजरंग मोटर्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 13,40,000 रुपये में चीज़ें क्या ऑफर करी जा रही है। तो पहले तो आप ये कलर देखो, इस कलर में गाड़ी ना अच्छी लगती है। मतलब बुलेरो नियो एक ऐसी गाड़ी है जो हर कलर में सही नहीं लगती है, इस कलर में इसका लुक निखर कर आता है। और ये कलर है मैजेस्टिक सिल्वर कलर। अब अगर हम फ्रंट से देखते हैं ना, क्रोम वगैरह देखने को मिलेगा, और कमाल की चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको DRL देखने को मिल रहा है, और जो लाइट्स है ये कॉर्निंग फंक्शन के साथ आती है ये हेलोजन रिफ्लेक्टर ही, लेकिन कॉर्निंग फंक्शन इस गाड़ी में मिलना भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। बाकी इंडिकेटर हेलोजन है, और फॉग लाइट भी आपको हेलोजन मिल जा रही है, तो लाइटिंग सेटअप पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। बाकी नीचे देखोगे तो हेक्सागोनल ग्रिल है, और यहाँ से देखो फ्रंट की स्किड प्लेट कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो गाड़ी का लुक फ्रंट से इस तरीके से बनता है, काफ़ी बोल्ड ये फील होती है। और बोनट देखोगे ना बिल्कुल फ्लैट है, तो अंदर बैठ के आपको बोनट पूरा विजिबल हो जाएगा। चलो इसे खोल देते हैं, और एक हाथ से खोलने हैं भाई, अच्छा खासा हैवी फील होता है। ऊपर देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन है, पीछे भी इंसुलेशन है, और नीचे से गाड़ी को बंद कराया गया है, क्या बात है। अब इसमें आपको मिल रहा है महिंद्रा का अपना इंजन, 1500cc का टर्बो चार्ज डीजल इंजन। गाड़ी सिर्फ डीजल में आती है ये, 3 सिलेंडर के साथ। 4 सिलेंडर मिलते मजा आया था, लेकिन 3 सिलेंडर ही ये दे रहे हैं बुलेरो में भी, बुलेरो नियो में भी, जिसकी वजह से जो पावर है वो निकल कर आ रही है। 100 kbhp और 260 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करता हूँ तो वो अच्छा है, हाईवे में आप 20+ माइलेज निकालोगे, शहर के अंदर 13-14 का माइलेज बड़े आराम से आ जाएगा। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, और 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी आपको देखने को मिलती है इसमें। बाकी गाड़ी सिर्फ मैनुअल ड्राइव में आती है, ऑटोमेटिक में नहीं आती है। और गाड़ी ये फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है, रियर व्हील ड्राइव है, तो जिनको रियर व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए वो इसमें जा सकता है। करते हैं इसे बंद। साइड से अगर लुक चेकआउट करते हैं तो गाड़ी को अगर आप देखोगे तो इसके जितने भी पिलर्स हैं ना हल्के से टिल्ट हो रहे हैं पीछे की तरफ को, जैसा बी पिलर देखो, ए पिलर तो चलो होता ही होता है, इवन ये डोर वाला सेक्शन देखो आप तो हल्का सा ना पीछे की तरफ को गया हुआ है। ये बुलेरो नियो में चेंज हो रखा है। और जो शोल्डर लाइन है ये देखो कितनी ज़्यादा शार्प है। बाकी फिर यहाँ पर इन्होंने जो प्लास्टिक की इस तरीके से स्ट्रिप डाल रखी है ना, ये डोर हैंडल से मैच करते हुए, फ्यूल टैंक के गेट से मैच करते हुए एक अच्छा लुक आपको दे रही है, यूनिफॉर्म आपको लुक मिल जा रहा है। बाकी अंदर जाने के लिए, बाहर उतरने के लिए आपको इस तरीके से डोर में डोर स्टेप आपको देखने को मिलता है, और आपको फेंडर में यहाँ पे ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिलेगी। और टायर का जो साइज है ये मिल रहा है आपको 15 इंच का, कंपनी आपको अपोलो के टायर दे रही है, और 15 इंच के अलावा थोड़े से छोटे लग रहे हैं। और टायर की वॉल देखो कितनी ज़्यादा चौड़ी है, कंप्लीट टायर सेटअप है 215/75 R15 का। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, एंड सस्पेंशन थोड़े सॉफ्टर रखे हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है इसका, 160 mm का। अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि जब भी आप इसको कभी गड्ढे वड्ढे के ऊपर से ले आओगे तो नीचे से कितनी ये टच हो रही है। मेरे को लगता है कि नीचे से टच हो जाएगी, क्योंकि 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है ऐसी SUV वाली गाड़ियों के लिए। बाकी इंडिकेटर आपके फेंडर में है, साइड मिरर अगर आप देखोगे तो ये आपके पूरे बॉडी कलर है। आप इसको फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली कर सकते हो, लेकिन एडजस्ट अच्छी बात है, अंदर से इलेक्ट्रिकली हो जाएंगे। फ्यूल टैंक का गेट आपको मिलता है को ड्राइवर साइड, एंड इसमें आपको DEF डालना पड़ेगा, यूरिया, बाकी डीजल, एंड आपको 50 लीटर की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। और थर्ड रो वालों के लिए आपको मिल जाता है काफी बड़ा ग्लास, एंड इसके जितने भी डायमेंशन है वो सारे आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे।
आप इसे कंपटीशन से कंपेयर कर सकते हो। ऊपर देखोगे तो आपको कोई भी रूफ रेल नहीं मिलेगी और हाइट काफी ज्यादा है गाड़ी की, तो अंदर हेडरूम को लेकर ना किसी को भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड जैसा मैं कह रहा था कि इस गाड़ी में सारी फीचर्स वही हैं जो आपको टॉप एंड में मिलते हैं, बस आपको एक चीज नहीं मिलती है जो कि है MTT मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी। ये वही चीज़ है जो आपको EDL जैसी चीज़ों में मिलती है, मतलब अगर आपका कभी एक टायर यहाँ पे कम ट्रैक्शन में है और एक टायर ज़्यादा ट्रैक्शन में है तो यहाँ से पावर लेके वो उस वाले टायर में दे देगा जहाँ पे ट्रैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, एंड आपकी जो गाड़ी गड्ढों से निकल जाती है। लेकिन वो सिर्फ आपको N10 ऑप्शनल में देखने को मिलता है, N10 में वो चीज़ ऑफर नहीं करी जाती है। पीछे से लोग चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें ऑफर करी जा रही है, जैसे आपको वाइपर मिलेगा, डिफॉगर आपको मिल जाएगा इस तरीके से, और पार्किंग सेंसर भी ऑफर करे जा रहे हैं दो। लेकिन कैमरा आपके इस वाले मॉडल में नहीं मिलता है। लाइट देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर है पीछे की और कंप्लीट तरीके से पूरी ये हेलोजन है, लेकिन लुक में अच्छी लग रही है ये। और इस तरीके से जो पीछे आपको मिलता है ना स्टेफनी का टायर, उसमें आपको पूरा इस तरीके से बोलेरो का व्हील कवर मिल जाएगा, और यहाँ पर ही महिंद्रा का आपको नया वाला लोगो मिलता है। एंड अब यहाँ पे पाँव रख के अंदर जा सकते हो, उतर सकते हो। इसे ओपन करते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई भी आपको हाइड्रोलिक स्टर्ट्स वगैरह नहीं मिलते, लैचिंग मैकेनिज्म ही है नॉर्मल। सीट देखो पीछे अवेलेबल कराई गई है, लेकिन छोटी सी सीट है, जम सीट्स आपको मिलती हैं। अगर आपने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो यहाँ बन जाती है 384 लीटर की स्पेस। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि पीछे की जगह ना कोई बैठता नहीं है, कभी कभार बैठाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई नहीं बैठ रहा है तो 384 लीटर की स्पेस बहुत ज़्यादा है, और अगर बैठ रहा है तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो, यहाँ पे पाँव रख के अंदर चल सकते हो और बैठ सकते हो इस तरीके से। तो जैसे मैं बैठा हूँ तो काम चल जाएगा ये है, लेकिन अनकंफर्टेबल ज़रूर से होगा क्योंकि चौड़ा हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर टच होगा मेरा। बाकी बैक सपोर्ट और हेड सपोर्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पीछे छोटी हाइट के लोग पतले लोग बैठेंगे तो कम्फर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। लेकिन यह अगर इमरजेंसी में बैठना पड़ा तो मेरा पूरा काम यहाँ पर चलेगा। AC वेंट वगैरह नहीं मिलते, बस एक लाइट मिल जाती है यहाँ पर, और AC वेंट सिर्फ आपको आगे मिलेंगे, सेकंड रो में कहीं भी नहीं है। उतरते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत है। करते हैं इसे बंद, अब खोलते हैं ड्राइवर साइड का गेट। एंड जितने भी डोर हैंडल है ना, इसमें कोई भी कलर नहीं हो रखा, ये प्लास्टिक में ही छोड़ रखे हैं। इसे ओपन करते हैं और ओपनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। अंदर देखोगे तो आपको मिलती है ड्यूल टोन फिनिशिंग, ब्राउन और ब्लैक कलर में, एंड सीट कंप्लीट तरीके से फैब्रिक है, और ये पूरी आपको बीच कलर में मिलती है इस तरीके से, या ब्राउन कलर भी आप इसे कह सकते हो, बीच तो नहीं कहोगे। हाइट एडजस्टमेंट का आपको लीवर मिल रहा है, ये चीज़ बड़ी सही है इसमें। एंड साइड में देखोगे तो मल्टीपल बटन्स हैं, ये आपको इकोनॉमी ड्राइव मोड के लिए मिल जाता है, यहाँ से आपके साइड मिरर एडजस्ट होंगे, यहाँ से आपकी लाइट की बीम एडजस्ट होगी, और ये आपके डिफॉगर के लिए हो गया। एंड ये होता है आपका ESS इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्टॉप, मतलब ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो होता है ना, वही आपको ये देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट अपने फ्यूज बॉक्स में जा सकते हो, और नीचे डेड पेडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। डोर में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है पावर विंडो को ऑपरेट करने का, वो आपको मिल जाता है सेंटर में। लेकिन यहाँ पे पानी की बोतल, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, आपको स्पीकर मिल जा रहे हैं, एंड टोटल 6 स्पीकर बनते हैं गाड़ी में। और एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि ड्राइवर के लिए को ड्राइवर के अलग से ना आर्मरेस्ट दे रखा है, तो लंबी जर्नी में परेशानी नहीं होगी। बाकी यहाँ पर देखो क्रोम वर्क आपको देखने को मिलेगा। चलो बैठते हैं सीट में, कंफर्ट की बात करते हैं। सीटिंग कंफर्ट इस गाड़ी का अच्छा है, थाई सपोर्ट पूरा मिल रहा है और बैक सपोर्ट अच्छा है। प्रॉपर बकी सीट तो नहीं है तो आपको उतना अच्छा होल्ड नहीं कर पाएगी, लेकिन हेड सपोर्ट ठीक है। स्पेस में तो कोई कमी नहीं है, ये देखो कितना ज्यादा हेडरूम है, नी रूम है, तो स्पेशियस गाड़ी है कहना पड़ेगा। सीटिंग कंफर्ट में ऐसी कोई परेशानी नहीं बनती। स्टीयरिंग चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है राउंड वाला स्टीयरिंग व्हील, और आपको स्पोक्स मिल जाते हैं टोटल 4, और हल्का सा आपको यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट देखने को मिलता है मैट कलर में। बाकी यहाँ से देखोगे तो आप फोन उठा सकते हो, काट सकते हो, आपका जो मीडिया रहता है उसे कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, बहुत बढ़िया। बाकी आपका जो ट्रिप मीटर है वो आपका होगा यहाँ से एडजस्ट। वाइपर से कंट्रोल यहाँ मिलेंगे, लाइट से कंट्रोल यहाँ मिलते हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स नहीं है इसमें। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, ठीक है। ये कर हमने इसे लॉक, चाबी निकालते हैं, तो ये देखो जी चाबी बिल्कुल आपको ना XUV700 स्कॉर्पियो NG से देखने को मिलती है, ये चीज बहुत अच्छी है। चलो एक बार लगाते हैं, कहाँ है, ठीक है, ये हमारा हो गया। बैटरी, इग्निशन सब कुछ ऑन, निडल स्वीप आपको देखने को मिलेगा, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर सब कुछ है इसमें,
और देखेंगे तो आपको टायर प्रेशर भी देखने को मिल रहा था। 14,526 वोटों से हरा। ये घर हमने से बंद, बाकी चीजें देखें अगर हम तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से मल्टीपल चीजें, ठीक है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, TPMS, ये सारी चीजें शो हो जाती है और एक्चुअल TPMS है, मतलब हर टायर का आपको एक्चुअल प्रेशर शो करेगा। ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गाड़ी से। बाकी आगे देखोगे तो स्पेस कम है, उतना ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन एक डेडिकेटेड जगह यहाँ पे छोड़ रखी है, और उस साइड देखोगे तो स्पेस आपको नॉर्मल सी मिलेगी। बाकी काफी बड़े आपको मिल जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से पैड, और टिकट होल्डर मिलेगा। मैनुअल डिमिंग आयर VM है, और ये चीज देखो कुछ ज्यादा ही रगेड बना दिया। और ये हेलोजन में आपको मिलेगा, बाकी माइक आपको मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिरर, फिक्स वाले ग्रैब हैंडल बार्स हैं, और पूरा अगर आप डैशबोर्ड देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आता है। दिखने में इतना कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप चीजों को फील करने में आओगे ना तो आपको थोड़ा सा चीप क्वालिटी फील हो जाती है। यहाँ पर देखोगे तो आपको सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट, ग्लॉसी ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। 6.7 इंच की डिस्प्ले है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, और इसमें आप पेंडल लगा के भी गाने चला सकते हो। स्क्रीन मिररिंग का भी इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज सही है कि एंड्रॉइड ऑटो आपको चल जाएगा इसमें। बाकी इंडिकेटर हजार्ड का है, और नीचे देखोगे तो मैनुअल आपको AC मिलेगा इस तरीके से, और AC भी आप इकोनॉमी मोड में चला सकते हो। फिर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, टाइप ए का पोर्ट, और यहाँ पर देखोगे तो 3.5 mm का जैक आपको मिल रहा है। और ये है जी इसका 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स। रिवर्स लगाते हैं एक बार, तो कैमरा है नहीं तो आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पे चेकआउट नहीं हो पाएगी। बाकी यहाँ पर भी स्पेस है चाबी रखने के लिए, फिर यहाँ पर भी स्पेस है, सारी विंडोज आपकी यहीं से कंट्रोल हो जाएंगी। और इस साइड देखो, एक पानी की बोतल यहाँ, दो छोटी वाली पानी की बोतल यहाँ कैरी होती हैं, और स्पेस इसमें भी मिलेगी आपको। सेफ्टी की बात करते हैं तो गाड़ी को 1 star ग्लोबल NKM रेटिंग मिल रही है। पता नहीं इतनी कम रेटिंग क्यों मिली है, जबकि मैं दरवाजे खोल रहा हूँ, बोनट उठा रहा हूँ, तो हर एक चीज हैवी है। इस चीज को साइड रखते हैं। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो आपको मिल जाते हैं इसमें 2 एयरबैग, फिर ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, और TPMS। वैसे देखा जाए ना महिंद्रा की हर गाड़ी सेफ होती है, लेकिन मे बी ये इतनी स्टेबल ना हो, मे बी इसमें फीचर्स कम हो, इस वजह से इस गाड़ी को 1 star मिल रही। जो भी रहा होगा रीजन, फिलहाल जो चीज थी मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है, एंड अब एक काम करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। खोलते हैं जी पीछे का डोर, और यहाँ पर देखो आपको मिल जाता है पावर विंडो का ऑप्शन, और यहाँ भी पानी की बोतल, डॉक्यूमेंट कैरी हो जाएगा, स्पीकर आपको देखने को मिल रहे हैं, और सीट में इतनी जगह है कि 3 लोग आराम से बैठेंगे, और अगर 2 लोग बैठेंगे उसके लिए आर्मरेस्ट मिलता है इस तरीके से। बाकी अभी इसमें पूरी पन्नी चढ़ रही है तो इसे निकालूंगा नहीं मैं, और 2 आपको मिल जाते हैं हेडरेस्ट। बाकी AC वेंट देखेंगे तो नहीं मिलता है आपको कुछ भी, फिक्स वाले ग्रैब हैंडल बार है, सिर्फ इतनी ही चीज़ है। अब चलो सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। थाई सपोर्ट यहाँ पर बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि सीट अगर आप देखोगे ना हल्की सी इंक्लाइन हो रही है नीचे से, तो बढ़िया पाँव में सपोर्ट मिल जा रहा है, और लेगरूम स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। बैक सपोर्ट अच्छा है, और रिक्लाइनिंग एंगल भी अच्छा है, हेड सपोर्ट भी बढ़िया बन रहा है, और अगर आप कभी हिलोगे डुलोगे तो इस तरीके से हैंडल बारों को पकड़ सकते हो। कंक्लूजन की बात करते हैं तो गाड़ी का जो प्राइस है 13,40,000 रुपये, क्या इस प्राइस में गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपकी क्या डिमांड है, और क्या ये गाड़ी आपको जो चाहिए उसको पूरा कर रही नहीं कर रही है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो प्रीमियम हो, जो लग्जरी हो, फिर ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी प्रीमियम तो नहीं है कहीं से कहीं तक। ये जरूर सा है कि गाड़ी जो है रगेड फील कराती है, और रफ कामों के लिए ज्यादा यूज होती है, मतलब अगर आप थोड़ा कमर्शियल काम भी करते हो, थोड़ा आपको पैसेंजर वाला अपना भी काम होता है, पर्सनल वाले अपने काम होता है, थोड़ा कमर्शियल काम होता है, फिर ये गाड़ी आपके लाइफ में कभी सामान वामान डाल सकते हो, अपना भी थोड़ा इधर उधर जा सकते हो घूमने फिरने के लिए। स्टेटस सिंबल तो कहीं से कहीं तक नहीं है गाड़ी, लेकिन ये जरूर है कि जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनके यहाँ सड़कें ज्यादा अच्छी नहीं है, जिनको बार बार ऑफ रोड करना पड़ता है, उनके लिए ये गाड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी। जो शहर में रहते हैं, शहर के हिसाब से गाड़ी ढूंढ रहे हैं, 5-seater 7-seater गाड़ी प्रीमियम चाह रहे हैं, तो फिर इसके अलावा और भी मार्केट में कई सारे ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली उन्हीं को टारगेट कर रहा है जो थोड़ा रूरल साइड में रहते हैं, और लुक उनको थोड़ा सा डिसेंट सा चाहिए, बिल्कुल एकदम बोरिंग लुक नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनको मॉडर्न टाइप का लुक चाहिए, तो ये मॉडर्न लुक तो प्रोवाइड कराती है, लुक वही आता है TUV वाला, बस अब बोलेरो के नाम से इस गाड़ी को बेचा जा रहा है। तो ये थी इस गाड़ी की कहानी, बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, फीचर्स जाने कैसा आपको लगी ये गाड़ी, मुझे आप कमेंट में जरूर से बताना। क्या आप ये गाड़ी किसी को कहोगे लेने के लिए, नहीं कहोगे, ये भी चीज मेरे को जरूर से बताना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द इसी को नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।